गाइस यार वेलकम बैक सभी लोगों का फ्लीट एसएमपी के एकदम नए एपिसोड में। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग डीमन किंग का पीछा करते हुए उसकी केव के अंदर घुसे, जहां से हम लोग टेलीपोर्ट होकर सीधे अपने फ्लीट एसएमपी के कासल के अंदर आ गए। और भाई वहां पर वो बैठकर हम लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करने वाला है हमारे वर्ल्ड के साथ। और तभी हम लोगों ने उस पर अटैक करा, बट हमारा कोई भी हथियार उसको कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि उसका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्तों को मार दिया और उसने मुझे बोला कि क्या पता अगर मैं चाहूं तो मैं भी एक डीमन बन सकता हूं। बट आखिरी में मेरे को जैक ने रोक लिया और फाइनली हम लोग वहां से भाग गए, बट सिर्फ और सिर्फ एक केस में कि उसको एक और लास्ट फाइनल गेम खेलना है हमारे साथ, जो कि होगा 5 demon versus 5 humans का, जिसमें जो भी 3 matches जीत जाएगा ना वो बंदा सीधे विनर हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। तो वर्ल्ड जो होगा वो हमारा हो जाएगा और वो हमारे वर्ल्ड को छोड़ के चले जाएगा। बट अगर हम लोग हार जाते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। और तभी हम लोगों ने अपना 5वां बंदा जो कि फाइनल बंदा होने वाला था उसको ढूंढा, और वो था और कोई नहीं, नवरित भाई। बिल्कुल सही, तो हमें लास्ट में पता चला कि वो जो क्लोक्ड बंदा था वो कोई और नहीं, नवरित भाई निकले। तो चलो गाइस इससे आगे अभी देखते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, 200 के लाइक का गोल लगा रहा हूं, जल्दी से लाइक कर देना। जो भी नया जुड़े हैं सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से भाई को 3.5 मिलियन की तरफ को लेके चलो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और चलते हैं वीडियो की तरफ को। देख जैक सुन, बहुत ध्यान से सुनना ठीक है मेरी बात, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पे बैठ के मजाक कर रहे हैं, ठीक है? तो मजे मत लेना ठीक है ना, ध्यान से सुन मेरी। अरे भाई यार इससे खड़े हो जल्दी, यहाँ पे बैठने के लिए बुला रखा है तेरे को, यहाँ हलवा पूरी मिलेगा थोड़ी देर बाद है, बात कर रहा है यहाँ। वहाँ रोनी और देव अपनी पूरी जान लगा के वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं भाई। तो मैंने रोनी और देव को तो गाइस मैं सिखा के आ चुका हूँ थोड़ा बहुत फाइट वाइट का, अब बारी आती है जैक के हलवा पूरी। वाओ तेरे को पता नहीं, तेरे पास आर्मर नहीं है, मेरे हाथ में गॉड किलर है, तेरे को एक शॉट में मारूंगा मैं, एक शॉट में सीधे घर के बेड पे मिलेगा तू, पता है तेरे को। बदतमीजी मत कर, सुन ध्यान से ठीक है। तो मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ स्किल किसकी, बो की, ठीक है? तो तेरे को बो चलानी है एकदम ढंग से, आ जा मेरे पीछा जल्दी आ, ठीक है? तो सभी में तेरा टास्क होगा, जब भी हमारा 5 versus 5 वाला टूर्नामेंट होता है तो सब लोग अपने अपने हथियारों से लड़ेंगे, और तेरा हथियार होगा बो और एक स्वॉर्ड, ठीक है? समझ में आ गया? अरे रसगुल्ले की बाबा से बुक ले लूंगा। अरे यार भाई यार ये 30 दिन में बहुत चलाना सीखेगा तो तेरे मुंह के आगे मैं हूं जब सिखाने के लिए, तो बेवकूफ जैसा। चल जल्दी से यहाँ पे खड़े हो, इधर यहाँ पे खड़े हो, सबसे आगे खड़े हो, हाँ बस लास्ट उस पे खड़े हो। चल रेडी, चल सामने देख, सामने वो तेरा टारगेट है, ठीक है? तेरे को उस टारगेट के बिल्कुल बीच में मारना है जैक, ठीक है? चल खींच अपना एरो, खींच पूरा खींच, लगा निशाना, मार दे, मार दे जैक। वहां मारने के लिए पीछे हट, इधर ये देख, ध्यान से देख, ठीक है? तेरे को पूरा खींचना है और बिल्कुल एकदम कोशिश करनी है कि सेंटर में पड़े, मेरा भी इतना सेंटर में नहीं पड़ा है, बट तेरे को कोशिश करनी थोड़ा सा एडजस्ट करके कि हमेशा सेंटर में पड़े, ठीक है? तेरा अचूक निशाना होना चाहिए, अचूक निशाना एकदम। चल आ जा फिर से, कोई बात है तू कर लेगा जैक, मेरे को तेरे पर भरोसा है। चल खींच, चल खींच पूरा, खींच खींच, मार जैक। और भाई साहब तो खिक्की तू क्या मजे ले रहा है क्या मेरे से अभी तक है? चल दोबारा खींच, चल खींच, चल जाए खींच, बिल्कुल सेंटर में मार, हो जाए, चल। अबे क्या तुक्का लगा था क्या पिछला वाला तेरा है, उसमें बिल्कुल सेंटर मार। बाहुबली देखी तूने मूवी है? बाहुबली मूवी देखी है? तू मान के चल के तू बाहुबली है उसका, ठीक है? तू बाहुबली है, ये हुई ना बात, बाहुबली जैक बाहुबली है। चल बाहुबली रसगुल्ले जैसी शक्ल का बाहुबली बनेगा, आजा फटाफट यहाँ पर आ, ठीक है? इधर एक काम कर, दूसरा अल्पा, ये तो तूने मार दिया एक बार, चल ठीक है? अब तुझे क्या करना, देख ये वाले टारगेट पर, ठीक है? चल रेडी, देख एकदम खींच, पूरी जान से खींच, ठीक है? वो सेंटर वाले की आंख फोड़ दे, चल हो जाए। सोच वो डीमन है, वो यही है वो डीमन जिसने तेरा घर बर्बाद किया था पूरा का पूरा, तेरा विला सबको। कवार को सिखाना है, पीछे हट, ये देख इधर, हमेशा
ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, तो तेरे को अपने हिसाब से इसको एंगल पहले बंदे पे ले, थोड़ा सा ऊपर ले और फिर छोड़, समझ रहे? जैसे तेरे को फिर से वो कर, बंदे पे ले, थोड़ा ऊपर ले और फिर छोड़, बंदे पे ले, थोड़ा ऊपर कर, फिर छोड़। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे का यहाँ पे खड़े हो गलती से लगे मुंह का क्या कि खड़े हो जाता। चल रेडी, ऐसी तेरे को तीनों टारगेट एक लाइन में मार रहे हैं। चल बाहुबली है तू, देख सुन, बंदे पे ले, थोड़ा ऊपर ले, फिर खींच, समझ रहे? हर बार तेरे को दिमाग लग, ओ भाई, ओए 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 ओए, पागल हो रहा है क्या? मैं तेरे चांटे मार दूंगा जैक, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा मुंह में। हाँ वहां देख, सामने देख, बढ़िया, खींच बंदे पे ले, अपने अपने जितने डिस्टेंस है उसके हिसाब से एडजस्ट करो और मार खींच के, हो जाए जैक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टांग तो तोड़ी तूने कम से कम उसकी, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले, थोड़ा और ऊपर ले, बीच वाले को, बीच, बहुत, अरे बहुत बढ़िया, छाती तोड़ दी। चल इस बारी हेड है, चल सीधे सर में मार, सीधे सर में मार, आग फोड़ दे उसकी, चल हो जाए, फिर वो तुझे देख ही नहीं पाएगा। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, चल जैक, चल खींच, पूरी जान से खींच, आजा आजा, मार दिया, ये जैक ने मार दिया, ये कंधा कहीं का, इधर इधर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देख ये सबसे कठिन होने वाला है, ठीक है, ये तेरी लास्ट परीक्षा है, ठीक है जैक, ये तेरी लास्ट परीक्षा है, ठीक है, ये सबसे कठिन होने वाला है, ये सबसे दूर भी है। तुझे यहाँ से वो टारगेट के बिल्कुल बीच में मारना है, बिल्कुल बीच में, वो पांचों के पांचों रेडस्टोन दोनों साइड के जलने चाहिए, तेरे को ऐसे मारना है, ठीक है। चल हो जाए, चल अपने अंदर का अर्जुन जगा दे, हो जाए, चल भैया आप खड़े हो जाए, आपको मार, कैसा बंदा है भाई तू, मुझे क्यों मारेगा, वहां टारगेट में मारना, वन शॉट वन के, आ ले मार, अगर तू नहीं मार पाया तो जैक तेरे को मैं मारूंगा, ठीक है, अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे मारूंगा, ठीक है, ये ले, ये मैं खड़ा हूँ, मार मेरे को, मार मार, नहीं मार पाया तो मैं तुझे मारूंगा, ही बता रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है, चल हो जाए। तो ये कहा अरे भाई क्या बस मेरे को मारने की बात आएगी तभी तो मारेगा ही, और आगे से तीर मार रहा है, पीछे कैसे लग रहा है मेरे पिछवाड़, क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, ओए अब मत मार ज्यादा, बहुत मारूंगा तेरे को, चल रेडी, अब चल खींच, पूरी जान से खींच और उसको टारगेट पे मार, बिल्कुल सेंटर पे, चल हो जाए, जा मैंने भी थोड़ा तू बारबेरियन एक्स से क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, तो भैया दिखाना घूम के, ये देखिए यहाँ मार दिया तूने तीर, देख रहे, हाँ चले गया, चले गया, आ जा, चल हाँ चल रेडी, खींच जैक, खींच, मजाक नहीं, मजाक नहीं, ये 5 vs 5 मजाक नहीं होने वाला, जैक खींच, पूरी जान से खींच, थोड़ा ऊपर ले और मार दे, अरे बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, वाह देखो इसको, आज आज ही करना है, आज ही करना है जैक, चल खींच, अरे भाई साहब पांचों जला दिए, अरे भाई साहब, जैक तू अपनी परीक्षा में जीत चुका है दोस्त, अब हम लोग फाइनली ऐसा सोच सकते हैं एक बार के लिए कि जैक फिर भी एक बार के लिए डीमन किंग को, अबे हलवा पूरी बट थोड़ी ना रहा है भाई, यही तो बोल रहा है, हलवा पूरी थोड़ी ना हो रहा है यहाँ, 5 vs 5 टूर्नामेंट होने वाला है, हलवा पूरी भाई, आखिरकार तू तैयार है, अब अगर हम लोग जाते हैं बाई चांस डीमन फाइट में, 5 vs 5 टूर्नामेंट में, तो जैक भी अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता है, तो जैक भी फाइट ले लेगा, लड़ लेगा जैक भी थोड़ा बहुत, बढ़िया जैक बढ़िया, अभी हम लोग के चांसेस है थोड़े बहुत जीतने के, ठीक है, तो हम लोग अभी जीत सकते हैं, भैया आप मार के दिखाओ, अरे मैं तो भाई बोलते बोलते मार तो दिया, अरे मार के दिखा तो दिया भाई, और कितना दिखाऊं, ये देखिए वो, ये देख ये देख ये वाला, ये अबे ओ भाई ये देख, अबे बोलते बोलते मार देता हूँ मैं तेरी तरह, थोड़ी ना चुपचाप रह के एकदम खिक 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 लिखने वाला थोड़ी ना करता हूँ मैं, ठीक है बेटा, बहुत ईजी है तीसरी बार में, अबे वो मत देखना तीसरी बार में चौथी बारी में, लेकिन भैया लास्ट टाइम तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, इस बोस से कैसे जीतेंगे यार, बात तो सही है, और टूर्नामेंट तो दूर की बात, यार बात तो सही है, एक बारी के लिए जब हम लोग भाई डीमन किंग से लड़े थे, हम लोग लिटरली चार बंदे ने 1v4 मारा था, और वो भी गॉड किलर जैसे वेपन से, और इसने तो भाई इसके बाद बारबेरियन एक्स जैसा वेपन था, और तब भी हम लोग लिटरली कुछ भी नहीं कर पाए थे भाई, उसका कुछ भी नहीं, तुम समझ रहे हो, वो मजे ले रहा था, हाँ कहानी बता रहा हूँ ना, बैठ के सुन ले तू, बहुत बढ़िया, हाँ तो भाई हम लोग लिटरली उसका कुछ भी नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने कितनी जान लगा दी, कितना ही क्या कर दिया, तो इस बार ही हम लोगों को
यार हमें कुछ तो चाहिए होगा। अगर इस वर्ल्ड में गॉड किलर है तो हो सकता है कि इस वर्ल्ड में जैक डीमन किलर नाम का कोई स्वॉर्ड भी हो, है ना? कुछ भी हो सकता है, राइट? क्या पता कुछ ऐसा खतरनाक निकल जाए। ढूंढते हैं भैया। यार ढूंढने के लिए निकलेंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन और ये तो 4th दिन चल रहा है ऑलरेडी। कहने का मतलब है कि आज का दिन खत्म होते ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचेंगे टूर्नामेंट से पहले की तैयारी करने के लिए। और ये हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। ऐसे क्या बोलूँ अभी यार, एक काम करते सुनो, नवरित भाई के पास जाके उनसे पूछते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जिस समय हम लोगों को याद होगा अगर तुम्हें कि एक पांडा फेस नाम का गुंडा था जो कि हम लोगों से मर ही नहीं रहा था, कितनी कोशिश करते कितना मारते बट वो मर ही रहा था, तो हम लोगों को भाई उस समय पे नवरित भाई ने ही हेल्प करा था। तो देखते हैं एक बार जाके नवरित भाई से पूछ के आते हैं अगर बाई चांस कोई एक 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 तरीका, छोटा सा तरीका, कोई छोटी सी एक हल्की सी रे ऑफ होप भी हो ना कि हम लोग भाई डीमन किंग से एटलीस्ट फाइट ले सके। भाई गारंटीड सी बात है, अगर वो खुद इतना खतरनाक है तो सोचो उसके जो वो डीमंस चुनेगा वो कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैक खो गया है। जैक अब कहाँ है, वहीं बैठा रह गया। आया भैया, ये भाई क्या बंदा है भाई, वहीं बैठा हुआ है कि अभी भी कहाँ से आ रहा है ये? वो देखो नालायक का नालायक ही रहेगा यहाँ पे, लड़ाई वड़ाई की बातें चल रही है भाई। वो बंदा लिटरली पता नहीं क्या मजे में, अपनी धुन में, अपनी खुशी में भाई। चलो फटाफट से एक काम करते हैं, मैं और जैक जाके नवरित भाई से पूछते हैं और हो सकता है देव लोग भी आ जाए वहां पर, तब तक अपनी फाइट खत्म करके। भाई देखते हैं यार क्या होगा कैसे होगा, और अगर बाय चांस कोई तरीका है जिससे हम लोग डीमन किंग और उसके डीमंस को मार पाए, क्योंकि सही बता रहा हूँ ये गॉड किलर वेपन चाहे बहुत खतरनाक हो लाइक लिटरली ब्रो ये किसी को भी वन शॉट मार सकता है, तुम समझ रहे हो, किसी को भी ये वन शॉट मार सकता है। और वो देखो बारबेरियन एक्स भी कम नहीं है, तो सोचो उसको फिर भी एक भी हल्का सा भी डैमेज नहीं हुआ इस चीज से। यार इतनी पावरफुल स्वॉर्ड जो लिटरली इंसान को तक मार सकती है वन शॉट में, यार कुछ तो होगा, यार कुछ तो होगा, हम लोगों को आपस में बातचीत करके कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग डीमंस को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे पाए यार, वरना ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अबे जल्दी आ जा भाई, वैसे कुछ तीर वीर चलाना तो सीखा नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ आसमान में देखते हुए जमीन में मारता। अच्छा 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 देख रहो, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी आ इधर, नवरित भाई से बात करते हुए चलते। तो क्या गंदा आदमी है भाई, पागल वागल हो रहा है क्या? कौन से ब्रेड को देखो मैं है? अबे भाई तेको किस बात के बैठ दू, जीता तो मैं अले सिर पे मारूंगा कुल्हाड़ी सारा छतरा। अरे बेटे इतने शॉर्ट स्किल्स भी नहीं मेरी। अबे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या हो गया भाई? इतना बड़ा चीटर है ना ये साला, क्या बताऊं। अरे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भाई। इसने कहा जो जीतेगा उसको ब्रेड देगा, ब्रेड दे नहीं रहा है, मेरे से मांग रहा उल्टा। अबे तो जीता कौन? मैं भाई। कौन जीतेगा तुम्हें लगता है? ये मेरे को हरा पाएगा ये? अरे शॉर्ट स्किल्स। अबे यार तुम लोग बहस मत करो, सुनो ठीक है ना, तुम्हारा बढ़िया गया ना सेशन। जैक मैं ये मर गया मेरे हाथ से, अब लग रहा है मेरे को पिटता है ये तीर चला रहा था कब से, एक तीर नहीं लगा भाई। तेरे सर में तीर है, बात कर रहे हैं सर में तीर है, हाथ में तीर है, एक तीर बेटा मेरा सिखाया हुआ चेला है वो, बात मत कर देना, दूर दूर से मार देगा। जैक मार इसके पिछवाड़े में एक शॉट मार दे, रहा वहां छुप रहा है, देखिए मार, छोड़ो छुप रहा है, देव को ही मार दे। अरे मुझे क्यों मारा मुझे क्यों तोड़ा? अरे 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 मजाक कर, अरे अरे बढ़िया भाई, दोनों को मारा भाई, दोनों को मारा। अभी सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, चलो फटाफट चलते हैं नवरित भाई से एक बार बात करके देखते हैं, ठीक है? क्योंकि सुनो मेरी एक बात सुनो, हम लोग इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, ठीक है? तुम लोग मस्त पीवीपी कर बाबा। अबे हाँ सुनो, इधर आओ इधर आओ। तो हम लोग इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, अपना पसीना वसीना सब कुछ बहा रहे हैं, पर मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब 4 जने एक साथ उससे भिड़े थे तो हम उसका कुछ कर पाए थे? भाई याद मत दिलाओ यार। भाई वही मैं कह रहा हूँ, सोचो अगर हम लोग 4 जने उसको कुछ नहीं कर पाए तो उसके डीमंस का हम लोग क्या ही करेंगे, वो भी अकेले अकेले में। तो हम लोगों को मुझसे तो डर गए थे वो। अबे तू रसगुल्ले, हाँ हो सकता है भाई उसको डायबिटीज और वो मीठा खाने से डर रहा हो भाई। यही हो सकता है और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। आ जाओ चलो फटाफट से नवरित भाई से बात करते हैं, उनके पास क्या पता कोई सलूशन हो इस चीज का। अरे आ रहे हो ना, फटाफट चलो जल्दी आओ। हाँ तू पहले पहुंच जा जा। अरे नवरित भाई, अरे तुम तो यार भाई चोगा वोगा उतार के तो एकदम कूल बॉय बन गए भाई। सच सामने आ गया, मुझे वापस आना पड़ा अपने वेश में कूल बाबा। सुनो नवरित भाई, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट हाँ बताओ मेरे को, बस एक बात बताओ
भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा लाइक जान लगा दे रहे हैं पूरी की पूरी। मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग इतना पीवीपी भी कर ले, फाइट भी कर ले लास्ट में, लेकिन हम लोगों ने लिटरल डीमन किंग से 1v4 करा था, आप यकीन नहीं मानोगे, 1v4 हम लोग उसको छू तक नहीं पाए थे, मतलब समझ रहे हो, हम उसको कुछ, हम उसका एक बाल नहीं बाका कर पाए, वो बंदे लिटरली हमें इतना गंदा मारा है मैं बता नहीं सकता। तो फायदा ही क्या है फिर इतनी मेहनत करके, लास्ट में अगर हम लोगों को 5v5 टूर्नामेंट हारना ही है तो बाबा डीमन किंग यार, भाई तू उधर बैठ। डीमन किंग को मारना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे डीमन किंग के बारे में एक चीज पता है कि उसने एक बुक लिखी है। मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था डीमन किंग पे, और मुझे एक चीज ये पता चली कि डीमन किंग की एक सीक्रेट बुक है, एक बुक है जो उसने खुद लिखी हुई है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम लोग डीमन किंग को हरा सकते हैं, शायद मार सकते हैं उसको हम लोग। है तो क्या ये बुक है क्या? तो बताओ ना भाई कैसे करना है, क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है डीमन किंग की बुक लेना। मैं काफी टाइम से उसको ढूंढ रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने छोड़ी अभी तक, लेकिन दो ऐसी जगह है जहाँ पर मैं खुद जाने से डर रहा हूँ। अगर तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो तो शायद हम लोग डीमन किंग को हरा भी सकते हैं। तो मतलब अगर वो बुक हमारे हाथ पड़ गई तो हो सकता है कि हम लोग डीमन किंग से पंगे ले सके, राइट? अभी तो हम उसे छू भी नहीं पा रहे। हाँ, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बुक ढूंढना। भाई आप हमें बताओ ना वो दो जगह, हम लोग ग्रुप बना के हम लोग चले जाएंगे, चार जने हैं तो सही, हम इतना आर्मर, मैं जाऊंगा। ओ भाई ओ ओ, तुझे पता है कहाँ जाना है? अरे क्या गधा आदमी है, तुझे पता है? हैं तू है, तूने ढूंढ रखा है गधा कहीं का, अंदर आ चुपचाप। पक्का चले जाओगे ना तुम लोग सब? इतना आर्मर लेके इतनी फाइट वाइट सीख के हम लोग करेंगे क्या? आप बताओ कहाँ पर जाना है। ठीक है, मैं देखता हूँ एक सेकंड। यहाँ तो मैं चले गया हूँ, और यहाँ भी चले गया। तो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ और तुम लोग तैयार रहना वहाँ जाने के। सुनो नवनीत भाई ने हम लोगों को बता, अबे अरे भाई यार, ये भगवान कसम इतना पिटेगा ना मेरे हाथ से किस दिन। तो सुनो मेरी बात, यहाँ सुनो, देखो हम लोगों को दो लोकेशंस पता है, राइट? लेकिन हम लोगों को टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है इस टूर्नामेंट की तैयारी करने के लिए, है ना? तो देखो एक चीज सिंपल है, मैं और जैक निकलते हैं कासल की तरफ को, और तुम दोनों, ठीक है, देव और रॉनी, तुम दोनों निकलो जो दूसरी लोकेशन बता रखी नवरीत भाई ने, कोऑर्डिनेट तुम लोगों को मिल गए, तो तुम दोनों वहां जाओ, हम दोनों कासल की तरफ को निकल रहे हैं, ठीक है? भाई इसके साथ नहीं जा रहा हूं भाई, मैं इस चोर के साथ नहीं जा रहा, इसने मेरे ब्रेड नहीं दिया, इसके साथ जाऊंगा मैं। साले चोर बोलता मार हुआ सिर में कुल्हाड़ी, ओए दूर, इसके साथ नहीं जा रहा हूं भाई मैं। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई, ये पता नहीं क्या क्या क्रीपी। अरे तू मेरे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अबे यार तुम दोनों, भाई मेरी एक बात सुनो भाई, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, खत्म होने को। अबे क्रीपी खिकी की तेरे को अलग से मारूंगा मैं। भाई तुम लोग मेरी बात सुनो एक बार, ठीक है? हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, ये हमारा पहला दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, और तुम लोग यहाँ पे बेफालतू की बहस कर रहे हो, ठीक है? अपने डिफरेंसेस असाइड रखो, हमें नहीं पता कैसे भी वो बुक ढूंढनी है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी ढूंढो, वो बुक हम लोगों को ढूंढ के लेके आनी है, ठीक है? तो तुम दोनों निकलो उस कोऑर्डिनेट की तरफ को, और मैं और जैक निकलते हैं सीधे अपने कासल की तरफ को, ठीक है? अमीर लोग कासल जाएंगे। अरे कासल तो हम चले आते ना, वो इजी भी है। अरे यार इजी, देखो सुनो, कोऑर्डिनेट्स दूर जरूर है, बट मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुम लोगों ने डीमन किंग को कहाँ देखा है? कासल में, राइट? अगर बाय चांस डीमन किंग आ भी जाता है तो हम लोग थोड़े बहुत फाइट लेके, हिट विट लेके वहाँ से भाग सकते हैं, बट तुम लोगों के पास गॉड आर्मर नहीं है, तो केन बाबा खोल देंगे। हाँ वही बेसिकली, वही खोल देंगे तुमको, ठीक है? अरे मैं तो मजाक कर रहा, चलो चलो। हाँ वही मैं, फॉलो कर मुझे। अच्छा ये देखो भाई, ये चलो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। चल जैक फटाफट चल, हम लोग भी निकलते हैं, इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए। अरे तुम मुझे मार, रुक रुक तेरे को बताता हूँ। गाइज यार नवरीत भाई की बात सुन के ना, देव और रॉनी तो भाई दूसरी जगह पे गए जहाँ पे नवरीत भाई को शक है कि हो सकता है कि जो भी वो बुक है, जो डीमन किंग की बुक है भाई, वो बुक हो सकता है कि वहाँ पे मिल जाए, बट हम लोग आए हुए हैं भाई फ्लीट एसएमपी की तरफ को। मेरे को लग रहा है क्या पता, अगर डीमन किंग इतने टाइम से फ्लीट एसएमपी में रह रहा है तो हो सकता है उसने अपनी बुक जो है, जिसमें भाई वो जो भी खतरनाक वाला वेपन, जो भी चीज़ है भाई, वो क्या पता यहाँ पर उसने रखी हो, तुम समझ रहे हो? क्या पता उसने वो जगह का कुछ कोऑर्डिनेट रख दिया हो, कुछ कर दिया, कुछ तो करा होगा उसने भाई, इतने टाइम से अगर वो फ्लीट एसएमपी के अंदर रह रहा है, खास करके हमारे कासल के अंदर रह रहा है, तो भाई उसने हो सकता है कि कुछ ना कुछ थक गया। अरे भाई यार जैक, हमारे पास ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे दोस्त, तेरे को उठना पड़ेगा, अभी नहीं हो पाएगा दोस्त ऐसे, ये ले खा और उठ जल्दी से। अजीब आदमी है भाई, थक गया हर 2 मिनट बाद, थक गया
ऐसे बंदे भी थकने लग गए तो क्या ही बोलूं भाई, लिटरली रास्ता भी मैं दिखा रहा हूँ, आगे भी मैं चल रहा हूँ, 10 बारी मैं ही गिर चुका हूँ, लेकिन नहीं थकता कौन है, जैक भैया थक जाते हैं हमारे। बात सुन लो इसकी भाई, यहाँ पर इतना बड़ी चीज आ गई है सर के ऊपर, इसको भाई थकने की पड़ी भी है भाई, पता नहीं ये चीज मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये वेपन्स कभी मिलेंगे भी या क्या होगा क्या नहीं होगा भाई। अगर हम लोगों को उसकी बुक एक बार हत्ते लग गई ना भाई, उसके बाद हम लोगों के टूर्नामेंट जीतने के चांसेस लिटरली भाई 20% से 50% से लाइक ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं अभी कैसे डीमंस वो लेके आने वाला है, क्या होने वाला है, कौन बंदे होंगे, क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई। हो सकता है कि वो अपने से भी ज़्यादा पावरफुल डीमंस ले आए, बट फिर वही चीज़ है कि वो किंग है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उससे ज़्यादा पावरफुल डीमंस भी होंगे, बट लेट्स सी भाई, क्या पता वो मास्टर माइंड हो और उससे भी ज़्यादा पावरफुल बंदे उसके अंडर काम करते हो। तो हम लोग यहाँ पर तो आ चुके हैं, बस वो आसपास ना हो अभी, खो गया। अबे यार भाई यार, मैं पत्थर मार लूँ अपने सर पे, क्या करूँ मैं, कहाँ चले गया जैक। जैक ये देख, यहाँ देखो, अरे अकल के अंधे, आजा जल्दी आ, हाँ आजा आजा, इतना बड़ा कासल है, बोल रहा हूँ कासल के नीचे तो आ गए हैं तब भी नहीं आ रहा है, देख रहे तुम लोग, कह रहा खो गया हूँ। ओके तो हम लोगों को मेरे ख्याल से कासल के अंदर से ही ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए, और ये तो सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम निकले थे राइट। तो हम लोग आ जाएंगे प्रिजन में, प्रिजन से हम लोग ऊपर ऊपर से निकल के जा सकते हैं, अगर उसने रास्ता बंद ना किया हो तो। चलो चलते हैं, एक बार एक काम करते हैं, कोशिश तो करते हैं, कासल तो मस्त है। अरे भाई बनाया भी तो बहुत मेहनत से, एक काम कर सुन, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मेरे पीछे पीछे आ रहे ना। हाँ बड़ी, एक मिनट, मेरे पास ब्रेड है, अबे इस रसगुल्ले के पास चिकन कहाँ से भाई। यार भाई दुनिया तो भाई, मैं मजाक नहीं रहा हूँ, बहुत अनफेयर है भाई। जैक सुन, अब हल्ला मत मचाना ठीक है, एकदम चुपचाप रहे, हो सकता है वो यहीं कहीं पे वेट कर रहा हूँ हमारा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यार रास्ता तो यहीं से था, अबे इसने तो ऑब्सीडियन लगा के यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया, और मेरे पास तो डायमंड की वो भी नहीं है, पिकैक्स भी नहीं है अब। अरे यार अब मे भी हम लोगों को घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है जैक, जैक चल शुरू हो जा बेटा, जल्दी कर फटाप, देखी मैंने तेरे हाथ में डायमंड की पिकैक्स, ठीक है टोटम। अरे कैसा बंदा है भाई, तुझे जिंदा रहना ही, तुझे जीतना नहीं जीतना टूर्नामेंट, अबे तो तोड़ना उसको। अरे बड़ा अजीब आदमी है भाई, डायमंड दे दो फिर। यार भाई क्या लालची बंदा है भाई, ये खुद की जिंदगी, ये ले मर, अभी क्या बोलूं मैं इसको भाई, टोटम दे दो, वो देखो नाच उसका, अरे तोड़ उसको फटाफट, क्या मुंह बना रहा है भाई, देख रहे हो इसको, इसको लिटरली सामान देना पड़ रहा है भाई। जल्दी आ, चुपचाप आना बस, ठीक है शांति से चलते हैं। ओ नो भाई, यहाँ पर तो इसने डायमंड, ओ भाई अभी रुको एक मिनट, रुको मेरे को कैसे बंद कर सकते हैं इसको, बस ठीक है बस ये हट जाए। जैक आगे मत जाना, लावा लगेगा सीधे, चुपचाप चलना है ठीक है, एकदम हल्के हल्के। अरे बोला था यार आगे मत जाना, ये क्या बंद भाई, मेरी चप्पल, भगवान कसम कह रहा हूँ अगर मुजांग वाले ने किसी दिन चप्पल डाल दी ना इस गेम में, तेरे चप्पल ही चप्पल बजाऊंगा मैं घर में ले जाके तेरे को। क्या बंदा है भाई, चुस्स चुस्स आवाजें वहां फैला रहा है पूरी की पूरी, चुपचाप आना एकदम हल्के हल्के। ओके आई थिंक इस वॉल के उस पार हमारा कासल होना चाहिए भाई, इस बंदे ने पूरा का पूरा कासल अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिया, तुम समझ रहे हो। जैक तोड़ इसको फटाफट, बढ़िया तोड़ तोड़ तोड़, यस हम लोग आ चुके हैं, बस यहाँ पर वो बैठा ना हो भाई जो भी हो। नहीं 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 जैक, नहीं नहीं जैक, क्या करता है भाई यार ये बंदा, अगर उसको पता चल गया ना तो उसी कुर्सी में बैठा हुआ है, अब वहां बैठा है तो आसपास देख, उसमें कहीं पे कुछ सीक्रेट तो नहीं रखा हुआ उसने, देख उसकी किताब विताब ये सब। हाँ किताब कहाँ छुपा सकता है वो बंदा, उसकी डेप्थ में तो नहीं छुपा रखे कहीं इतना, क्योंकि इतना बड़ा क्रैक कभी था ही नहीं इस वर्ल्ड में, बट आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ करेगा यार, अगर होता तो इसी में दिख जा रहा है, देखो क्लियर क्लियर भैया इसके मुंह में, ओ हाँ इसके मुंह के अंदर भी तो हो सकता है, रुक जा चला के देखता हूँ, हो सकता है ऐसे दिख जाए ज़्यादा अच्छे से। नहीं
यार यहाँ तो कोई किताब ही नहीं है, क्या फालतू गिरी है भाई। भैया नहीं जैक, नहीं जैक बिल्कुल नहीं, ना 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 छूना मत, छूना मत, इधर 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 इधर, नहीं जैक नहीं बिल्कुल नहीं जैक, नहीं यार ये पिटवाएगा क्या भाई बंदा, नहीं जैक उधर नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, अगर उसको पता चल गया ना जैक तो हम दोनों मरेंगे, तेरे को पता है ना ये बात, बस एक बिल्कुल नहीं जैक, मैं जा रहा हूँ उसको छोड़ के भाई, मर यहीं पे जा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, तू यहीं रहना, आएगा तेरे को मारेगा ना जब तब मजा आएगा। भाई कहाँ रखा हो सकता है उसने यार, तो यार ये तो अपना एंटर चेस्ट के अंदर यूजलेस चीजें रख रखी हैं बिल्कुल एकदम, यार उसने कहाँ पर रखा हो सकता है, कहाँ पर, बुक वुक जैसी कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, यार ऐसा कैसे हो रहा है यार, हर जगह ढूंढ लिया, इतना ढूंढ लिया लेकिन कहीं पर भी कोई भी ऐसी बुक वुक इसने कुछ छुपाया ही नहीं है यार। नहीं जैक अच्छा नीचे ही गया होगा कहीं ना कहीं पर, रुको जरा थोड़ा सा चल के आते हैं यहाँ पर, भाई यार कहीं पर तो छुपा सकता, कहाँ पर छुपाया होगा इस बंदे ने, कुछ तो होगा। व्हाट डेमन थे, ओ भाग भाग, एक मिनट जैक कहाँ है यार, ये बेवकूफ आदमी मरवाएगा, मरेगा तो नहीं रहना, अबे ओए जैक ओए जल्दी उठ यहाँ चेयर से बेवकूफ, वो डीमन किंग आ रहा है, जल्दी भाग अबे गधे, जल्दी अंदर घुस, जल्दी अंदर घुस, जल्दी 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 जल्दी, पैर के निशान जय, अबे हरामखोर मेरे से पहले भाग गए, जल्दी भागो यहाँ से भाई। भाई मेरे को छोड़ के अपना बंदा ना ऐसे गायब, जल्दी आओ भैया कहाँ रह गए, अबे भाई भाग भूख के अंदर चले गए और मेरे से बोल रहा है जल्दी आओ भैया, इस हराम को रुकले, मैं पूरा का पूरा दौड़ते भागते हुए आया हूँ वहाँ पर वापस, अभी पकड़ लेता ना भाई दोनों को, यहीं पर मारता पकड़ पकड़ के, आई होप उसने हम लोगों को देखा ना हो यार। जैक जल्दी भाग, निकलते हैं यहाँ पर से भाई, कोई बुक नहीं मिली, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कासल में ही था राइट, वो ना हमारे घरों की तरफ को गया ना कहीं गया, तो भाई अबे यार आई जस्ट होप कि देव और रोनी को भाई वो बुक मिल गई हो, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो की भाई, कोई हमारे पास कुछ पावर नहीं, कोई कुछ नहीं रहेगी भाई यार, अब देखते हैं होपफुली बस उन दोनों को मिल गई होगी अगर किताब तो अपना काम बन जाएगा, वरना तो फिर आई डोंट थिंक कि हम लोग ये 5v5 जीत पाएंगे भाई, और ये टूर्नामेंट हारते ही हम लोग ये वर्ल्ड को भी भाई भाई, भागो हाँ खड़े होके लिख, भागो बहुत बढ़िया, भाग मत, खड़े होके लिख रहा, भागो, भागेगा नहीं खड़े होके लिखेगा, भागो, मन कर रहा ना रोक के तालियां बजाओ इसके गाल पे हाथ मार के, समझ रहे हो ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती बट एक हाथ और एक गाल से तो ताली बजती है ना, जल्दी आ जा, खिक्की खिक्की के भगवान के सब दांत तोड़ दूंगा मैं, एक तो कुछ मिला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, अब पता नहीं क्या होगा आगे जाके, और रुक के लिख रहा है खिक्की खिक्की, इसकी तो सही में भाई मैं खाली लेके आया इसको, वहीं पे छोड़ के भाग जाना चाहिए था, बैठा हुआ देखता है इसको अपनी कुर्सी पे ना, दो डंडे लगाता ना मेरी तरफ से, मैं पीछे खड़े होकर बोलता, मैं बोलता और मारो इसको, जैसे वो होता ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वो पीछे से पेरेंट्स अलग से और बोलते, जब टीचर बोलता है कि तुम्हारा बच्चा क्लास में अच्छा नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स बोलते और मारो इसको, वैसे वाला कर देता मैं तो, अभी जल्दी आ जा भाई, पता नहीं यार क्या होने वाला है इस 5v5 टूर्नामेंट में यार, और कितना दूर है, एक तो ये जगह, यस धुआं दिखा ना, यस फाइनली हम लोग भाई नवरित भाई के घर पे तो आ गए, बट यार सैडली हम लोगों को वो बुक मिली नहीं भाई, आई होप बस रोनी और देव को मिल गई हो, अबे भाई मेडिसिन मजे आ गए भाई, हैं ये कहां, अबे क्या हाल है, ज्यादा खुश नहीं हो रहा होगा, एक मिनट ओए तुम लोगों को बुक मिल गई क्या, अबे तुम यहीं पे हो, अबे ना हमें तो कुछ भी नहीं मिला, अबे तो इतना खुश क्यों, खुश भी से हाथ में हो रहे भाई यार, डीमन किंग नहीं मिला ना, डीमन किंग नहीं मिला ना अपने, अबे तो वो कासल में था ना इसलिए नहीं मिला हम लोगों के पीछे, तुम बेवकूफ भाई, अच्छा वहां कासल ले गए भाई, भाई सही है बच गए भाई, तुम्हारी पिटाई हुई नहीं हुई भाई, नवरित भाई क्या लोकेशन बताई भाई आपने, ना इनको मिली ना हमको मिली बुक, क्या दोनों जगह पे नहीं मिली, कहीं पे भी बुक नहीं मिली यार, अब क्या करेंगे यार, कोई फायदा ही नहीं है अब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके, हारना ही है जब पता है, कहीं बुक नहीं मिली इसका मतलब हो सकता है कि वो बुक यहाँ यूनिवर्स में ही हो ना हो पूरी, भाई आपको पता भी है पक्का कि वो बुक है भी कि नहीं है, नहीं नहीं मुझे पक्का पता है वो बुक है, खुद डीमन ने लिखी है उसको, अरे यार अब क्या करेंगे भाई, ये सब छोड़ो भाई, अब बुक नहीं मिल रही तो छोड़ो मेरी बात सुनो, क्या क्या, अब ये देखो इसके कुछ फालतू बात सुनना इसके, हाँ हाँ रोनी क्या करेंगे, अब भाई पहले तुम बोलो तमीज से भाई मेरे से, अबे तू भाई बता अपनी फालतू बात बता भाई,
अबे भाई एक काम करते हैं, टाइम मशीन में चलते हैं भाई, जब जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी हाँ, उसके कोऑर्डिनेट्स तो है ही। हाँ, एक काम करते हैं हाँ, हाँ, अरे सुनो, रॉनी को पता है उसने किताब कब लिखी है, तो हम टाइम मशीन का यूज करके करेक्ट उसी टाइम पे पहुंच जाएंगे, है ना रॉनी? अबे भाई तू, अरे यार तू किस गधे की बात सुन के, चलो फॉलो मी यार, ये भगवान कसम एक से बढ़ के एक नमूने है क्या? अबे तू मुझे इतना बता रॉनी, टाइम मशीन पर हम लोग चले जाएंगे, हम टाइम मशीन यूज भी कर लेंगे, लेकिन तू मेरे को इतना बता कि तुझे पता है कि उसने कब लिखी है किताब? एक सेकंड, टाइम मशीन कहाँ से आ गई? अरे यार लगता है नवरित भाई को पता ही नहीं है यार। अरे नवरित भाई, इस वर्ल्ड में टाइम मशीन है, हम लोग पूरा टाइम ट्रेवल कर चुके हैं पहले, बहुत सही चीज है, मजा आ जाता है, एकदम एक्सपीरियंस है, आपको भी दिलवाएंगे, लेकिन अभी एक मिनट है बस। तेरे को पता है कब लिखी है उसने, कहाँ गया है? तेरे को पता है कब लिखी है उसने, है बता कब लिखी है उसने किताब, बता बता। लेकिन जितना मुझे पता, टाइम मशीन तो डीमन किंग और गॉड के पास है। अरे यार भाई उनने यहीं पे रखी हुई है, मेरे को खुद उसकी देख रहे हो, ये डीमन किंग की डायरी में लिखा हुआ है ना साफ साफ, कोऑर्डिनेट है इसमें 13,080 और ये 1800। अरे हमें नहीं पता क्या? क्या डीमन किंग की डायरी? एक सेकंड मुझे दिखाना। अरे ये लो यार भाई, भाई क्या आपको इतना ही पता है भाई मेरे? अरे यार यही तो हो तुम लोग जो ढूंढ रहे हो, यही तो बुक है। एक मिनट तो हम है? अरे तो डायरी बोलते ना नवरित भाई, ये क्या बोल रहे हो, उसने बुक लिखी है, ये करा बुक। अरे डायरी का यही बुक है यार, यही तो मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से। अबे यार भाई, इसी भाई के चक्कर बगल में तो छोरा गांव में ढिंडोरा भाई। भाई फालतू की तरह आई होगी क्या तुम्हारी है, थप्पड़ बज गए फालतू में। अरे भाई यार इतना घूम घाम के आगे भाई, नवरित भाई ऐसे बोलते ना कि जो उसने डायरी लिखी हुई है, अगर आप डायरी बोलते तो मैं आपको पहले देता ये चीज। अरे यार इतना मुझे तो लगा यही है, मत छोड़ो खैर छोड़ो मुझे। अरे तो इसको मैं देख के बताऊं ना भाई, हमें तो इसमें एक ही पेज समझ में आया बस, मेरा टाइम। हाँ तेरी तो बिजनेस डील छूट गई होंगी ना, है ना? तेरा तो डायमंड बिक रहा था वहाँ, है ना? तेरी तो डायमंड एमराल्ड की डीलें चल रही थी बहुत तगड़ी। इसमें तो डीमोनिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक सेकंड मेरे को डिकोड करना पड़ेगा, एक सेकंड। यहाँ तो ये तो बेकार है ये सब भाई, उसने बहुत तेज मारा था क्या? अबे मारा नहीं भाई, देख ही नहीं पाया, छुप के आ गया, ये हरामखोर उसकी सीट में बैठ रहा है, जाके इसको भगा के लेके आऊं मैं वहां से। भाई क्या पढ़ रहे हो? गाइस यार फाइनली नवरित भाई ने पूरी की पूरी बुक को डिकोड करके हम लोगों को बता दिया है कि उस बुक में क्या लिखा था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम लोगों को भी पता चलेगा ना उस बुक में क्या है, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा भाई। ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड भी बनाने को गॉड्स ने ही बनाया था। तुम सब हाँ हिलो, तुम नाचो, मैं कहानी बताता, तुम नाचो सही में। अबे सही में नहीं नाचना है बेवकूफ। चलो तो गाइस यस, ये वाला वर्ल्ड जो था ये भी बनाने को गॉड्स ने बनाया था, और इसमें ह्यूमंस ने इनहेबिट करा, जैसे बाकी सब में कुछ तो पता नहीं एलियंस होंगे या जो भी होगा, बट यहाँ पर ह्यूमंस आने लगे, और ह्यूमंस ने धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई, मार काट करी और सब कुछ, तो वो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो एक अंडे के अंदर चले गई, और उस अंडे से निकला इस वर्ल्ड का पहला डीमन, जिसने बाकी फिर बहुत सारे ह्यूमंस को भी आगे जाके डीमन बनाया, जैसे कि केन जो कि अब एक डीमन किंग बन चुका है। तो यही चीज थी। तो यार ये सारी चीजें गॉड्स देख तो रहे थे, बट वो डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, तो उनने हम ह्यूमंस को एक ऐसी चीज दी जिससे हम लोग डीमन से फाइट कर सके, और वो था वन एंड ओनली डीमोनिक स्टील। बिल्कुल सही भाई, एक ऐसा इंगेट जो कि डीमंस को मारने में काम आ सकता था, ऐसा कुछ भी वो इतनी बोरिंग कहानी है क्या? तो सो गया है, उठ जल्दी बेवकूफ जैसा। तो बेसिकली उनने एक डीमन स्टील दिया, जिससे कि भाई ह्यूमंस ने एक स्वॉर्ड फोर्ज करी, और उसके बाद हरा दिया भाई डीमंस को, और यहाँ से भगा दिया था। बट यार डीमन किंग ने कुछ तो करा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से अब हम लोग लाइक उसको मार ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों के पास जो हथियार है ना ये इनफ नहीं है, ये हथियार नहीं कर पा रहे भाई, और हम लोगों को भी अब जाके ढूंढना। तुम देख रहे हो, मतलब एक तो मैं इतनी बड़ी बात नवरित भाई की याद करके तुम लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तू खाना खा ले। तो गाइज यार यस, तो हम लोगों को बेसिकली वो भाई मैं ना यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ही बताता हूँ खाली कहानी, ठीक है? ये हराम खोर पीछे कभी कोई जमीन में लेट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं बताने ही मत दो आदमी को भाई, कितनी ज्यादा जरूरी कितनी इंपॉर्टेंट हमारी चीज हाथ लग गई है, ये बेवकूफ जैसे वहां पर
गाइस यार अब हम लोगों को कैसे भी वो डिमोनिक स्टील का इंगेट ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम लोग भी अपने लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बना सके जिससे हम लोग डीमन से लड़ सके। और यही नहीं भाई, वो डिमोनिक स्टील बहुत ही ज्यादा कम है। आई थिंक इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक और इंगेट बचा है उसका। लेकिन एक और चीज है कि एक फीरियम शार्ट करके भी है जिससे हम लोग और भी वेपन्स बना सकते हैं जो कि हर कोई यूज कर सके और डीमंस को हरा सकता है। तो हम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा। तो सुनो दोबारा से रॉनी और देव फटाफट से तुम, हाँ तुम ये कर ले तुम, हाँ ये कर ले। तो देखो दोस्तों सुनो, रॉनी और देव सुनो, तुम दोनों, अरे यार सुनो, तुम दोनों की अभी काफ़ी सही केमिस्ट्री हो गई है, तुम दोनों जल्दी से जाओ ठीक है, जो फीरियम शार्ट की जगह बताई हुई है ना जल्दी से जाके फीरियम शार्ट जमा कर लो। मैं और जैक निकल रहे हैं डायरेक्टली डिमोनिक स्ट्री। अरे यार भाई तू क्यों करता होगा बीच बीच में। सुनो तुम दोनों निकलो जल्दी से फीरियम शार्ट ढूंढने के लिए ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हो उतने ज़्यादा जमा करना ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3-4 एकदम ऐसे करके ले कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा जमा कर सकते हो तो ज़्यादा जमा करना, क्या पता आगे जाके हम आर्मी बनाए भाई डीमन से लड़ने के लिए। तो इसलिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं फीरियम शार्ट जमा करना। हम लोग जो एक डिमोनिक स्टील बचाया वो लेके आते हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि वो भाई डीमन किंग ने खुद के लिए ना रखा हो ठीक है। तो चलो हम लोग निकलते हैं फटाफट से, तुम लोग भी निकलो, वापस यहीं पर मिलते हैं जल्दी से जल्दी ठीक है। चलो ठीक है, चलो फॉलो मी। अरे ये गले तो ओ बेवकूफ, वो ईस्ट साइड पे है, इधर आ मेरे पीछे आप। गधा है भाई, उल्टी डायरेक्शन में जाके बोल रहा है चलो फॉलो मी। देखो इसकी हरकत है, फैंटम शॉट दिलवाता हूं। गाइस यार कायदे से इसी एरिया के आसपास होना चाहिए जो नवरित भाई ने हम लोगों को जगह बताई है जहाँ पर वो डिमोनिक स्टील मिलेगा। भाई अगर वो हमें मिल जाता ना तो हमारे कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम लोग उस टूर्नामेंट में एटलीस्ट इसको देखो भाई। हाँ फूल तोड़ बहुत बढ़िया। हाँ तेरे को 5v5 में तेरे को तोड़ेंगे ना जब वो, तब मजा आएगा। चल चुपचाप, दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे भाई। कैसे भी हम लोगों को वो डिमोनिक स्टील ढूंढ के लेके आना पड़ेगा भाई, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तुम समझ रहे हो मेरी बात, पता नहीं कैसे करने वाले। और आई होप भाई रॉनी और देव को भी वहाँ पर शार्ट्स मिल जाए, वरना ये क्या चीज़ है गार्डियन, मतलब ये वो क्या चीज है। ओ भाई तुम लोगों को दिख रहा है वो है, अभी ये गार्डियन सो रहा है क्या? अबे हाँ भाई, जैक ये देखिए सो रहा है। अबे ये क्या गार्ड करेगा भाई जगह को, ये तो मस्ती करके सो रहा है। ओए नहीं, ओए भाई, ओ तेरा दिमाग खराब है क्या, जगाता हूँ। इधर 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 कोनी सा उसके पास मत जा। इधर कौन सा भाई साहब, अभी ये बंदा तो भाई अपनी एक्स पे सर रख के सो रहा है। बस इसके ज्यादा पास नहीं जाना है, पर यहाँ पर है क्या भाई? अगर ये गार्डियन है तो कुछ ना कुछ, ये देखो ना यहाँ पर है कुछ ना कुछ। चलते हैं उठना जाए भाई, उसके पीठ में कोई स्वॉर्ड भी लगी हुई है, क्या पता बहुत पावरफुल स्वॉर्ड हो। जैक फटाफट फटाफट, अबे तू भाई क्या कर रहा होगा, ये कहाँ गया है? ये देखो बेवकूफ को, जल्दी आ, वो सो रहा है मस करके। हम लोग चलते हैं भाई, आई होप यहीं पे मिल जाए। भाई साहब क्या जगह है भाई, यहाँ तो सब कुछ अलग अलग है भाई, कहीं पे डीप स्लेट है, कहीं पे ब्लैक स्टोन है, डर लग रहा है। हाँ ना, कहीं पे बेसाल्ट भी है भाई, बट वो क्या मेन चीज है वो देख जैक, यहाँ ये देख भाई, ये क्या है सुनकर, वाओ लेजर। अबे लेजर इधर छोड़, उसमें घुस। अबे यार ये भाई, ये बंदे की वजह से ना जो ही तू, तेरा दिमाग खराब है क्या भाई? मेरे को लग रहा है ये लेजर कुछ ऐसा, इसका प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा देख के आना ठीक है। जैक साइड से बीच से जाइए बिल्कुल, चल तू पहले जा फिर मैं आता तेरे पीछे पीछे, चल बीच से निकलना है तूने ठीक है बिल्कुल। अबे लेजर के बीच से नहीं निकलना था बेवकूफ, वैसे कुछ हुआ तो नहीं, तो आई थिंक खाली डेकोरेशन है भाई ये। हाँ ना, ये देख कुछ हो ही नहीं रहा इससे, ये अबे खाली दिखाने के लिए बना रखी है ऐसे लाल लाल लेजर, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई तो ये क्या डिमोनिक स्टील। ओ भाई, तो गाइस यार फाइनली हम लोगों को डिमोनिक स्टील मिल गया, बस कैसे भी भाई उन दोनों को वहां पर भाई फीरियम शार्ड्स मिल जाएं,
वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों ने एक वेपन की तैयारी तो कर ली है। जैक लेट्स गो भाई, अभी चलते हैं फटाफट से। अबे आओ यार भाई, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी जैक आर पार करके दिखा दिया जैक ने, वो देखो। हाँ बढ़िया, नाच जा जा जैक, एक काम कर, उसके बीच में खड़े होकर नाच जा जा एक बार, उसके बीच में खड़े होकर ऐसे। हाँ ये है, ओ ला हमको मिला, हमको मिला डीमोनिक स्टील मिला, डिंचिक 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 डिंचिक। इसको यहीं छोड़ जाता हूँ, चलो फटाफट चलते हैं भाई। लेकिन ये क्या ही मस्त जगह है, वैसे मानना तो पड़ेगा भाई इस जगह को, क्या क्रेजी खतरनाक इतने सारी चीजें। भैया बचाओ, आ क्या हो गया, अबे ये है का व्हाट, ये बाहर चले गए क्या? अबे यार भाई क्या हो गया इसको, जैक ओ भाई, इसका मतलब कि वो लेजर्स ने एक तरह से इस गार्डियन को एक्टिव। अबे यार हम नाच कर रहे हैं, ट्वर्क कर रहा था भाई। अबे यार एक मिनट, जैक को ही देख रहा है ना, मैं मार देता हूँ इसको। अबे ये तो भाई मेरे को हल्का है, व्हाट ओ व्हाट, अबे तो व्हाट भाई, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कितना ही मार लूँ। ओ भाई अबे लेकिन ये मार रहा है तो डैमेज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट। एक मिनट जैक, तूने इसकी एचपी कैसे ली? अरे भाई आराम से मार के, अबे मैं भी तो मार रहा हूँ। एक मिनट, तू इसके पीठ में जो स्वॉर्ड है कहीं इस पे तो नहीं मार रहे? मैं रुको अभी ट्राई करेंगे, अगर इसने अपना वही पाउंडिंग वाला मारा ना तो हम लोग ट्राई करने वाले। यस देयर वी गो, चल जल्दी इसके पीछे चलते। अबे यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ओह ओके बच गया। इसे बचना तो बहुत ज्यादा आसान है भाई, बहुत ज्यादा स्लो है। ओ भाई भाई कहीं इससे बचने के, व्हाट मम्मी, अरे तू साले मेरे को फंसा के भाग गया वहां पे से। ओ यस, हाँ ना ये करेक्ट, अपना जब वो पावर वाला मूव करता है तो हम पीछे से जाके मार सकते हैं। जैक तू तैयार रहना, तू तैयार रहना ठीक है, जैसे ही अपना ओ भाई साहब ये कितना ज्यादा टफ है, ये जैसे ही अपना पावर वाला मूव मारेगा तू जल्दी से पीछा के मारना इसको ठीक है। देखो कैसे खड़ा है, खाना ना खा रहा है भाई। अरे अभी नहीं यार, और पिकैक्स से मत मारना तो भाई। इस बंदे को कुछ होता ही नहीं है, एरोस से भी कुछ नहीं हो रहा है, उसको टकरा के वापस आ रहे हैं एरोस। मार मार, यस जैक मार, जैक मार जल्दी मार, पीछे से मार। अरे बेवकूफ आदमी यार, इसको भाई खाने के लिए रखा हुआ है लग रहा है सिर्फ और सिर्फ। बोल आप कहां मार रहा है बेवकूफ, जब वो अपना पावर वाला मुंह मारेगा तब मारना। मार 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 जैक मार, यस यस, हम लोगों ने गार्डियन को हरा दिया, यस भाई। अरे लेकिन भाई लूट क्या गिरी, लूट क्या गिरी, क्या कुछ कुछ गिरा था कि जैक है? अबे क्या फालतू भाई, इतना मारा हम लोगों को और भाई कुछ गिरा के भी नहीं गया, ये भी सही है भाई। लेकिन ठीक है ना, हम लोगों ने गार्डियन को भी हरा दिया और हम लोगों को भाई ये देख रो भाई इतना खतरनाक भाई, हम लोगों को डिमोनिक स्टील भी मिल चुका है फाइनली भाई, मजा आ गया बेचारा। हाँ यार वैसे कायदे से वो बस गार्ड कर रहा था है ना, बट ठीक है ना, चल आजा फटाफट से घर चलते हैं। होपफुली भाई देव और रोनी भी भाई जाके फीरियम स्टील लेके आ गए होंगे, मतलब फीरियम शार्ड लेके आ गए होंगे। हम लोग तो अपना डिमोनिक स्टील ले आए, अभी जल्दी से जाते हैं घर पे और जल्दी इसको नवरित भाई को देते हैं और देखते हैं अगर वो उस बुक को डिकोड करके इससे कुछ वेपन्स बना पाए जिससे हम लोग फाइनली भाई डीमंस को, भाई डीमन किंग को तो सबसे पहले मारूंगा, उसने जितने ज़्यादा मज़े लिए ना हम लोगों से और जितने गेम्स खेलता है ना, अब बताएंगे इसको भाई इसके ही गेम्स मैं मारूंगा। हाँ तू इसकी शक्ल देख, जैक एक बार अपना हेलमेट उतारियो, बार इसकी शक्ल देखो, तुम्हें लगता है ये, इसको देखो जरा एक बार, ये देखो हरकतें देखो इसको, देखो डीमन किंग को मैं मारूंगा, बस फटाफट आ जल्दी आ, मैं मारूंगा, पीछे रह जाएगा फिर से और फिर रोएगा थोड़ी देर बाद। चल जैक फटाफट आ भाई, शाम होने को आ गई है यार, हम लोगों का लिटरली भाई थर्ड दिन आने को स्टार्ट हो गया, हमारा चौथा दिन भी खत्म हो रहा है, कहने का मतलब हमारे पास शायद से हाँ आज के बाद अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। एक मिनट ये है, रोनी और देव हमसे पहले आके पहुंचे हुए, ये भी ठीक है। ओए
अबे तुम दोनों पहले से आके बैठे हुए यहाँ? I am faster than light. अबे तुम faster ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने फीरियम शार्ड्स ढूंढे भी नहीं ढूंढे। और क्या भाई, ये तो कापा थक गया था साला रास्ते में। अरे सारे मैंने ढूंढे हैं, सारे मैंने ढूंढे हैं पीछे, सारे मैंने। चलो बढ़िया यार, तुम लोगों ने एटलीस्ट ढूंढ तो दिए। ओए हेलो, अरे नवरित भाई आ गए। नवरित भाई, हां भाई मिल गए क्या तुम लेने गए? माल मिल गया, माल मिल गया। क्या डेमोनिक स्टील? हां डेमोनिक स्टील, डेमोनिक स्टील वो तो मिल गया, लेकिन फिर आप स्वॉर्ड वर्ड बना पाओगे इससे सारा सामान? हाँ हाँ मैं बना लूंगा, टेंशन मत लो उसकी। पक्का? हाँ हाँ पक्का। और अच्छा हुआ कि ये लोग जल्दी आ गए, मैं तब तक उस पर रिसर्च कर पाया, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब चलो बढ़िया, फिर आई होप भाई कुछ खतरनाक बनाओ आप, ताकि हम लोग इन डीमन से लड़ पाए। अरे चिंता मत करो, बहुत खतरनाक बनने वाला है। काफी देर लग गई मुझे पता है, लेकिन फाइनली सबके वेपन्स तैयार हैं और यहाँ पर तुम्हारे सामने चेस्ट में रखे हुए हैं। डिमोनिक कटाना, अनटेम्ड ग्रोस्ट भाई, एम्मा भाई साहब। ओ भाई मुझे देख, मुझे देख भाई। अबे ओ भाई, ओए ओए जा, मर गया ये मेरे हाथ से, ये मर गया मेरे हाथ से भाई।